हेलो, आज हम इस वीडियो में नंबर्स ग्रुप में टेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमने नंबर्स लिखे, तो यहाँ पे नंबर्स लिखे तो नंबर्स जो होते हैं एक्सेल में वो हमेशा सेल के राइट साइड में होते हैं, और टेक्स्ट जो होता है ये इसके अपोजिट होता है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में होगा ये। तो अब क्या है, हम ये इन दोनों नंबर्स को अगर सम करेंगे तो इनका सम यहाँ पे आ जाएगा। इन नंबर्स को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, और जब उनका हम सम करेंगे तो वो सम हमारे पास नहीं आएगा, उसकी वैल्यू जीरो शो करेगा। तो अब क्या करते हैं, ये नंबर्स है, इनको हम यहाँ पे ये दो नंबर्स हैं इनको सम करेंगे। तो यहाँ पर इनका सम करते हैं, जैसे सपोज़ करो यहाँ पर हमने सम किया। सम लिखने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, इसके बाद किसका सम चाहिए, एक तो इसका सम चाहिए, कॉमा इसका सम चाहिए, और ब्रैकेट बंद की, इसके बाद एंटर प्रेस किया। ये देखो, ये दो नंबर्स का सम यहाँ पे आ गया। तो ये तो है नंबर्स का सम हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन जब हम ये नंबर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इनका सम यहाँ पे नहीं आएगा, वो जीरो शो करेगा। ये आप देखते हैं, तो इनको अब हम डिलीट करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर नंबर्स को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हम यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। ये सेल्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे। ये देखो, टेक्स्ट पे क्लिक किया, अब जो भी नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे वो नंबर हमारे टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखो, यहाँ पर हमने लिखा, तो ये लिखने के बाद ये देखो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में आ गया, और साथ ही यहाँ पे ग्रीन टिन आ गया। इसका मतलब यह है कि नंबर जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ है। इसके बाद आगे नंबर लिखेंगे, ये नंबर हमने यहाँ पे लिखे, इसके बाद एक और नंबर यहाँ पे हम एंटर करेंगे, ये इसके बाद ये नंबर भी हमने एक और लिखा और एंटर प्रेस किया। तो ये देखो, जितनी रेंज हमने सेलेक्ट की थी उतनी रेंज में तो ये हमारा यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, लेकिन ये जो सिक्स रो है ये हमने सेलेक्ट नहीं की थी, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये यहाँ पे राइट साइड में आ गया। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये टेक्स्ट की फॉर्म में है या नंबर फॉर्म में है। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू इज नंबर, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ब्रैकेट बंद करेंगे, बंद करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, तो एंटर प्रेस करने पे यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स का मतलब ये है कि ये जो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ये नंबर फॉर्म में नहीं है, ये टेक्स्ट फॉर्म में है। तो इसी प्रकार हम अगली को ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी टेक्स्ट फॉर्म में है, कौन सी नंबर फॉर्म में है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे नीचे। ये देखो, ड्रैग किया, तो ड्रैग करने के बाद ये बता रहा है कि ये भी टेक्स्ट है। ये देखो, फॉल्स यहाँ पे आ रहा है, ये नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है। दूसरी भी ये बता रहा है कि ये भी नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है। तीसरा ये भी यहाँ पर फॉल्स बता रहा है कि ये नंबर नहीं है, ये भी टेक्स्ट है। और चौथी को भी ये फॉल्स बता रहा है कि ये नंबर नहीं है, ये टेक्स्ट है। और ये देखो, लास्ट वाली जो है यहाँ पे ट्रू बता रहा है क्योंकि ये नंबर है। तो हमने जो थी ये रेंज जो सिलेक्ट की थी टेक्स्ट के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट की थी, ये जो यहाँ पे 125 ये जो लिखा हुआ है ये रेंज हमने टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट नहीं की थी, तो यहाँ पर ये नंबर शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये ट्रू बता रहा है कि ये जो है ये टेक्स्ट नहीं है, ये 124 ये नंबर है, तो ये ट्रू बता रहा है। इसके बाद हम ये करेंगे कि ये जो टेक्स्ट है अब इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए नंबर में। तो जब हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो नंबर है जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में है, इनको नंबर्स में कैसे बदला जाता है। तो इनको नंबर्स में बदलने के लिए हम ये फोर मेथड्स यूज़ करेंगे, एक है पेस्ट स्पेशल, एक है स्मार्ट टैग, एक है टेक्स्ट टू कॉलम, एक है वैल्यू फंक्शन। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल से इस टेक्स्ट को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक किया इसके ऊपर, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किया, कॉपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे इस सेल पे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद ये पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या चेंजिंग हुई, ये जो टेक्स्ट था ये किस में बदल गया, ये नंबर्स में। तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू, कि ये जो है नंबर, तो जो जो नंबर बनता जाएगा यहाँ पे ट्रू आता जाएगा। तो एक इस मेथड के जरिए हम इसको नंबर में बदल सकते हैं। तो दूसरा यहाँ पे मेथड करेंगे वो है स्मार्ट टैग। तो स्मार्ट टैग क्या होता है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो है इसको बोला जाता है स्मार्ट टैग। तो यहाँ पे इसके मोर बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास एक तो है ऑप्शन यहाँ पे नंबर्स स्टोर्ड एज टेक्स्ट, ये क्या बता रहा है कि जो नंबर है वो किस फॉर्म में स्टोर है, टेक्स्ट की फॉर्म में। लेकिन हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किस में, नंबर में। तो हम ये सेकंड ऑप्शन को लेंगे कन्वर्ट टू नंबर, नंबर है जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो ये जो है जो नंबर टेक्स्ट की फॉर्म में स्टोर था वो नंबर नंबर्स में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे जो हमारे पास फॉल्स था यहाँ पे ट्रू आ गया। अब है यहाँ पे थर्ड मेथड टेक्स्ट टू कॉलम। इस मेथड के जरिए नंबर्स को टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डेटा टाइप पे जाएंगे, डेटा टाइप पे जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डीलिमिटेड आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चेक है टैब, तो इसी को रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जनरल सेलेक्ट है, तो इसी को रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे, तो फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे ट्रू आ गया। ट्रू का मतलब यह है कि ये जो टेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा था ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद है वैल्यू फंक्शन। तो वैल्यू फंक्शन के जरिए भी हम इस वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला, लिखेंगे इज इक्वल टू वैल्यू, ये देखो वैल्यू, यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद अब किसको नंबर में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ब्रैकेट बंद की और एंटर प्रेस किया, ये यहाँ पे आ गया राइट साइड में, तो ये नंबर की फॉर्म में यहाँ पे बन के आ गया। तो वैल्यू फंक्शन के जरिए हम ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड हो गया। अब देखो ये जो नंबर में हमने कन्वर्ट किए हुए हैं, अब जब हम इनका सम करेंगे तो ये सम यहाँ पे आ जाएगा। सपोज करो दो नंबर्स का सम चाहिए, ये जो है हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है, इन दोनों नंबर्स का सम चाहिए, जैसे 125 और 456, तो यहाँ पे जैसे इनका सम चाहिए, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, जैसे इज इक्वल टू सम, सम लिखा, इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद किसका सम चाहिए, एक तो ये 125 इसका सम चाहिए कॉमा, और किसका सम चाहिए 456 इसका सम चाहिए। इसके बाद ब्रैकेट बंद की और एंटर प्रेस किया, तो ये देखो यहाँ पे दोनों का यहाँ पे सम आ गया। अगर ये टेक्स्ट की फॉर्म में होते तो यहाँ पे सम नहीं आना था, यहाँ पे जीरो वैल्यू आनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने नंबर्स ग्रुप में टेक्स्ट फॉर्मेट को यूज़ कैसे किया जाता है के बारे में सीखा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।